Hello students and welcome to Balaji online classes. Today I, Hadia Akram, is going to teach you English language of class 3rd. So open up your books and get on to page number 27. Today we are going to study lesson 7 and the name of our lesson is gender of nouns. Gender means are you a male or female? Right, gender means male or female or you are common. Either male or female or both or common. ठीक है, सो टुडे विल स्टडी कि नाउन्स का जेंडर लाइक क्या होता है, कौन सा जेंडर कब लगाते हैं एंड ऑल. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंस. एवरीवन पुट योर फिंगर ऑन द बुक. देखो देयर इज अ पिक्चर. विक्टर इज अ स्मॉल बॉय. राइट, विक्टर इज अ स्मार्ट बॉय. सॉरी, इट्स नॉट स्मॉल, इट्स स्मार्ट. विक्टर इज अ स्मार्ट बॉय. विक्टर एंड बॉय आर द नेम ऑफ फीमेल्स. विक्टर क्या है, वो लड़का है. ठीक है, बॉय क्या है, वो भी लड़का होता है. ये दोनों मेल हुए. मेल मीन्स जब हम लोग किसी आदमी या किसी लड़के की बात करें. ठीक है, अ हॉर्स रन फास्ट. और दूसरी पीछे क्या है, हॉर्स की. हॉर्स रन फास्ट. हॉर्स इज द नेम ऑफ मेल एनिमल. अब हॉर्स क्या है, ये भी तो मेल ही एनिमल है ना. वी टॉक अबाउट, हम लोग ने यहाँ बात की घोड़े की. घोड़ा क्या है, घोड़ा मेल है. राइट, सो घोड़ा हॉर्स इज अ मेल. विक्टर मेल, बॉय मेल. ये तीनों चीजें मेल के बारे में हम लोग ने बात की. राइट, ये तीनों चीजें हम लोग ने बात की एक मेल एक पुरुष के बारे में. वर्ड्स फॉर मेल पर्सन और एनिमल आर कॉल्ड मस्कुलिन नाउन. जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं किसी मैन के, किसी बॉय के, किसी मेल एनिमल के बारे में बताने में, उन वर्ड्स को हम लोग कहते हैं मस्कुलिन नाउन्स. और दे आर सेड टू बी ऑफ मस्कुलिन जेंडर. या तो हम लोग यूज करते हैं उसको मस्कुलिन जेंडर में. और मस्कुलिन नाउन्स खाली लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स, अब हम लोग ये तो पूछेंगे नहीं सोफा मेल है कि फीमेल है, फैन मेल है कि फीमेल है, फैन में ही लगा है कि शी लगा है. नो, हम लोग के सारे मस्कुलिन नाउन्स किस में होते हैं, मेल मेन के बारे में. मेल पर्सन या एनिमल, मेल पर्सन या एनिमल ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड मस्कुलिन नाउन्स. अब मोर अबाउट मस्कुलिन नाउन्स. बॉय मैन फादर अंकल लायन डॉग बुल, ये सब क्या है, ये सब मस्कुलिन है, ये सब मेल है. सब या तो आदमी है या तो लड़के है या तो एनिमल्स है जो मेल होते हैं. नाउ रूबी इज अ प्रिटी गर्ल. यू कैन सी गर्ल बनी है पिंक कलर की ड्रेस में. रूबी इज अ प्रिटी गर्ल. रूबी एंड गर्ल आर नेम ऑफ फीमेल्स. रूबी भी फीमेल होती है, गर्ल भी फीमेल होती है. फीमेल मीन्स लड़की. यस, एंड अ काउ गिव अस मिल्क. काउ इज द नेम ऑफ फीमेल एनिमल. काउ गिव अस मिल्क. गाय भी तो फीमेल होती है ना. यस, गाय इज अ फीमेल. गाय का अपोजिट सांड इज अ मेल. यस, सो वर्ड्स फॉर फीमेल पर्सन और एनिमल्स आर कॉल्ड फेमिनाइन नाउन्स. जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं किसी फीमेल के बारे में, या तो वो फीमेल पर्सन हो या तो वो फीमेल एनिमल हो, बट दे हैव टू बी लिविंग थिंग होनी चाहिए. ये नहीं कि मैं पंखी, पंखा 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 है तो इट डजंट मीन कि वो मेल हो गया. अगर हम लोग पंखी बुलाएंगे तो फीमेल हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है. इट इज नॉट अ लिविंग थिंग. सो वो मेल या फीमेल, सॉरी वो मस्कुलिन या फेमिनाइन नाउन नहीं होता है. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट लिविंग थिंग्स. तो फेमिनाइन नाउन्स अ वर्ड फॉर फीमेल लिविंग थिंग. जो भी लिविंग थिंग जो फीमेल है दैट इज कॉल्ड फेमिनाइन नाउन्स. अब एग्जाम्पल देखो, गर्ल ऊपर बॉय था, बॉय का अपोजिट क्या हो गया, गर्ल. ऊपर मैन था, मैन का अपोजिट क्या हो गया, वुमेन. देन फादर था, फादर का अपोजिट मदर. अंकल आंट. डॉग बिच. हॉर्स मेयर. लाइन लाइनेस. एंड बुल काउ. ठीक है, समझ गए, मेल आदमी फीमेल औरत. नाउ मेल मस्कुलिन एंड फीमेल फीमेल फेमिनाइन. यस, नाउ अब हम लोग ने बात की द टीचर इज टीचिंग मी. मुझ आपने घर गया, आपने कहा मम्मी टीचर ने पढ़ाया था. नाउ डू यू नो कि टीचर मेल है. मम्मी को पता चला क्या टीचर मेल है कि फीमेल है. आप स्कूल गए, आप स्कूल गए एंड आपने कहा हम ट्यूशन वाली टीचर से पढ़ के आए. नाउ अब क्या मुझको पता चला कि आपके ट्यूशन वाले सर से पढ़ाए कि मैम से पढ़ाए. जब हम लोग कोई ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि हम लोग को नहीं पता चलता है कि वो इंसान मेल है कि वो इंसान फीमेल है, तो इट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर.
उनको क्या कहते हैं कॉमन जेंडर। अब जैसे आपने कहा मैं बहुत बीमार हूँ एंड आपके किसी फैमिली ने कहा वो जो छाया पे डॉक्टर है आप उनके पास चले जाइए। अब क्या आपको पता है जो छाया पे डॉक्टर है इज ही मेल, क्या वो मेल डॉक्टर है या वो फीमेल डॉक्टर है? नहीं, यू डोंट नो, है ना। स्कूल में प्रिंसिपल है, अब वो प्रिंसिपल फीमेल है कि वो प्रिंसिपल मेल है, यू डोंट नो। सो इनको कहते हैं कॉमन जेंडर, जब आपको नहीं पता होता है वो इंसान मेल है या वो इंसान फीमेल है, राइट। जैसे पेरेंट, पेरेंट पापा भी है, पेरेंट मम्मी भी है। नाउ चाइल्ड, चाइल्ड आपका चाइल्ड बेटा भी हो सकता है, इट कैन बी गर्ल। नाउ फ्रेंड, आपका फ्रेंड मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि जो फ्रेंड होंगे वो मेल ही होंगे, नहीं ना। नाउ कैच, कैच मेल भी हो सकती है, फीमेल। गोट, गोट मेल भी हो सकती है, फीमेल। सिंगर, सिंगल मेल भी हो सकता है, फीमेल, राइट। सो दीज ऑल आर कॉमन नाउन्स, जो मेल भी हो सकते हैं एंड फीमेल भी हो सकते हैं। द टेलीविजन इज ऑन द ट्रॉली, टेलीविजन क्या है? टेलीविजन मेल है कि फीमेल है? इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग है ना। एंड अभी मैंने बताया कि नॉन लिविंग थिंग में हम लोग मेल या फीमेल नहीं यूज करते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग में क्या यूज करेंगे? नॉन लिविंग थिंग में हम लोग यूज करते हैं न्यूटर जेंडर। चेयर न्यूटर जेंडर की है, हेयर बैंड न्यूटर जेंडर का है, ये दिस कोट इट इज ऑफ न्यूटर जेंडर। व्हाई? बिकॉज ये नॉन लिविंग थिंग है, इट डज नॉट ग्रो, इट डज नॉट टॉक, राइट। सो ये नॉन लिविंग थिंग है। जब हम लोग किसी मेल के बारे में बात करेंगे मस्कुलिन जेंडर, फीमेल के बारे में फेमिनाइन जेंडर, मेल और फीमेल बोथ कॉमन जेंडर, एंड नॉन लिविंग थिंग्स सो न्यूटर जेंडर। ठीक, नाउ समझ गए, सारे जेंडर समझ गए। अब हम लोग के पास अगर कोई मेल चीज है उसको हम लोग फीमेल में कैसे बदलेंगे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बॉय, बॉय का फीमेल क्या हो गया? गर्ल हो गया, ये पता है सबको। अंकल क्या क्या हो गया? आंट हो गया। जेंटलमैन का लेडी हो गया, राइट, लॉर्ड का लेडी हो गया। मेड का, मेड का क्या हो गया? सर्वेंट हो गया, राइट। सो ऐसे क्या हो गया, हम लोग ने अपने बॉयज मेल को फीमेल में कर लिया। अब एक्टर, एक्टर को फीमेल में कैसे करेंगे? शाहरुख खान इज एन एक्टर, कैटरीना क्या है? कैटरीना इज एन एक्ट्रेस। एक्टर के आगे ईएस लगा दिया, एक्ट्रेस। देन इट इज गॉड, गॉडेस। देन प्रिंस एंड प्रिंसेस, प्राइस्ट एंड प्राइस्टेस, वेटर एंड वेट्रेस। तो हम लोग ने क्या किया, इनके एंडिंग में ई डबल एस, हम लोग ने इन सबके एंडिंग में ई डबल एस लगा दिया, तो ये फीमेल में बदल गए। वेटर मेल, वेट्रेस फीमेल। प्रिंस मेल, प्रिंसेस फीमेल। हंटर मेल, हंट्रेस फीमेल, यस। अब सेकेंड रूल क्या होता है, पहले तो ई डबल एस लगा दिया। नाउ सेकेंड रूल इज एडिंग अ वर्ड, हम लोग कोई एक वर्ड एड कर दे। जैसे मैन सर्वेंट, सर्वेंट क्या है? मैन, मैन सर्वेंट। तो इसको हम लोग फीमेल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? मेड सर्वेंट, है ना। नाउ इट इज ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, फादर को हटा के मदर कर दो, ग्रैंड मदर, यस। देन इट इज गॉड सन, सन है ना, सन का अपोजिट डॉटर, गॉड डॉटर। इट इज लैंड लॉर्ड, लॉर्ड का अपोजिट अभी हम लोग ने पढ़ा था पेज नंबर 28 पे, लेडी, इट विल बी लॉर्ड लेडी। वॉशर मैन, वुमेन। मिल्क मैन, मिल्क मेड या मिल्क वुमेन, इट कैन बी एनीथिंग। नेम ऑफ मेल एंड फीमेल एनिमल्स, इसके नीचे आपके मेल और फीमेल एनिमल्स के नेम लिखे, विच यू विल लर्न, यू विल लर्न, नॉट रीड, यू विल लर्न, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस, आफ्टर लर्निंग इट, इस लेसन को अच्छे से पढ़ना, 2 से 3 times पढ़ना, सारे रूल्स एक जगह लिखना कि लिविंग थिंग को क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग, मेल फीमेल, एस कब लगाते हैं, ई डबल एस कब लगाते हैं, एवरीथिंग। एंड उसके बाद, आफ्टर डूइंग दिस ऑल थिंग, उसके बाद आप एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, आंसर स्कूल मित्रा पे जो PDF आती है उसे चेक करेंगे। एंड इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, देन आस्क योर टीचर इन योर ऑनलाइन Zoom meeting classes। थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।